हेलो दोस्तों, विजन एकलव्य में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें मैं बात करूंगा अप्रैल फर्स्ट वीक यानी कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, जो भी न्यूज़ में आया है वो सब मैंने क्या है, करीबन 120 या 130 पॉइंट्स है और उनके अंदर सब पॉइंट्स भी है, मतलब पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे एनालिसिस के साथ दिया हुआ है। देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो वन लाइनर्स आप सब देखते होंगे, क्वेश्चन फिर उसके बाद आंसर उससे तैयार नहीं होता, आपको डिटेल में न्यूज़ ही पढ़ना पड़ता है तभी तैयार होता है। इसी वजह से करंट अफेयर्स बहुत लोगों का वीक होता है, तो मैंने यहाँ पे मुझसे जितना हो सका है उतनी कोशिश की है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को तो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, अगर इस करंट अफेयर्स से आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगा अप्रैल फर्स्ट वीक यानी कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट में दे दीजिए, तो मैं आपको ये पीडीएफ मेल कर दूंगा ताकि आप इसकी प्रिंट निकाल के आसानी से पढ़ सके। और देखिए, मैंने यहाँ पे न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ बहुत सारी डिटेल्स भी दी हुई है, इसीलिए बहुत डिटेल्स करंट अफेयर्स है और ये एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद रूप होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केरला जो है वो 6th संतोष ट्रॉफी जीत चुका है। संतोष ट्रॉफी वो है डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी है। तो संतोष टूर्नामेंट यानी कि संतोष ट्रॉफी की जो फुटबॉल की टूर्नामेंट थी, उसको होस्ट किया था कोलकाता ने। केरला ने हराया था फाइनल्स में बंगाल को, वेस्ट बंगाल को, इसलिए वेस्ट बंगाल रनर्स अप था और केरकलता विनर्स था। जॉन आइनर जो है उन्होंने मायामी ओपन्स 2018 जीत चुका है। मायामी ओपन्स 2018 एक टेनिस चैम्पियनशिप थी जिसमें मेंस मेन में जॉन आइनर ने जीता है जो यूएसए से है, और उन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को जर्मनी के हैं उनको डिफीट किया है। और उसी तरह से वुमेन में सेलोने स्टीफन्स जो भी यूएसए से है, उन्होंने जेलेना ऑस्टेपेंको को डिफीट किया है जो कि लेटेविया से है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, धीरे धीरे पढ़िएगा। देखिए, मायामी ओपन 2018 में मेंस में जॉन आइनर जो यूएसए से हैं, उन्होंने जेवरेव जो जर्मनी के हैं उनको डिफीट किया है, और वुमेन्स में सेलोने स्टीफन्स जो भी यूएसए से हैं, उन्होंने जेलेना ऑस्टेपेंको को डिफीट किया है जो कि लेटेविया से है। यानी कि मेन और फीमेल दोनों में यूएसए चैम्पियन रहा है। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो अपने फिल्टरेशन प्लांट्स में 1.43 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है, ताकि उसकी जो फिल्टरेशन कैपेसिटी है वो है अभी की जो है वो 80.7 मिलियन टन्स पर एनम, यानी कि सालाना 80.7 मिलियन टन्स है। लेकिन अभी वो 1.43 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा और उसकी जो कैपेसिटी है वो 150 मिलियन टन्स पर एनम, यानी कि 150 मिलियन टन सालाना हो जाएगी। देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक रूपाश्री स्कीम को लॉन्च किया है, जिस स्कीम के अंतर्गत जो गरीब लड़कियां हैं उनको शादी के लिए मदद की जाएगी। जो स्कीम का बजट है वह है 1500 करोड़, देखिए, और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी महिलाएं हैं उनकी उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और उनकी जो एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन इनकम 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, और ऐसी महिलाओं को शादी के लिए शादी से पहले 25,000 रुपये दिए जाएंगे, किसके द्वारा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, और इस स्कीम का बजट है 1500 करोड़। देखिए, इंडिया अभी मोबाइल फ़ोन्स का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है, उसमें पहले नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर है वियतनाम। देखिए, यहाँ पे अभी वियतनाम न्यूज़ में आ गया, तो उसका आपको कैपिटल जानना होगा, करेंसी जाननी होगी और उसका आपको प्रेसिडेंट भी जानना होगा। तो वियतनाम का कैपिटल है हनोई, उसकी करेंसी है डोंग और उसका प्रेसिडेंट है ट्रेन दाई क्वांग। सीवी राजेंद्र है जो तमिल फिल्म डायरेक्टर थे, वो उनकी जो अभी मौत हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। सीवी राजेंद्र वो कौन थे, तमिल फिल्म डायरेक्टर थे। ये देखिए दोस्तों, एक्स ग्वेट मेनिया डिटेक्टर एफरिन रियोस मोंट डाइज एट 91।
एक यूक्रेन में या एक कंट्री है वहाँ के जो एक डिटेक्टर था, मतलब बहुत ही राजाशाही तानाशाही चलाता था वहाँ पे, उसका नाम था एफरेन रियोसमोंट। उनकी मौत हो चुकी है। वो एक पहले मिलिट्री में थे, लेकिन उनके हाथ में जब कंट्री आया तब उन्होंने सिविल वॉर छेड़ दिया और बहुत ही, वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही खूंखार थे, तो उनकी अभी मौत हो चुकी है। और वो कौन थे याद रखिएगा दोस्तों, एक्स ग्वेटमाला डिक्टेटर एफरेन रियोस मोंट। जिनकी मौत हो चुकी है। तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है उनका अभी एनुअल अवार्ड फंक्शन हुआ था, वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिथाली राज को दिया गया है, बेस्ट स्पोर्ट्स मैन दिया गया है किदंबी श्रीकांत को, बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन दिया गया है पीवी सिंधु को, बेस्ट कोच दिया गया है पुलेला गोपीचंद को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एन मुकेश कुमार को। यहाँ पे आपको ये सब खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये आपको खुद ढूंढना है। अगर आप ढूंढ लेते हैं तो मुझे कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन एनुअल अवार्ड हुआ था, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है मिथाली राज को, बेस्ट स्पोर्ट्समैन दिया गया है किदंबी श्रीकांत को, बेस्ट स्पोर्ट्स वुमन दिया गया है पीवी सिंधु को, बेस्ट कोच दिया गया है पुलेला गोपीचंद को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एन मुकेश कुमार को। MS धोनी और पंकज अडवाणी दो स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं दोस्तों जिनको अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, MS धोनी जो कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, और पंकज अडवाणी, तो मुझे बताइएगा कि पंकज अडवाणी कौन सा खेल खेलते हैं, उन दोनों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दिल्ली एक ऐसा सिटी बना है जिसने, मतलब इंडिया का ऐसा पहला सिटी बना है जो यूरो 6 फ्यूल जो होता है उसने उसका यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब यूरो फ्यूल क्या होता है दोस्तों, तो यूरो फ्यूल होता है अल्ट्रा क्लीन भारत स्टेज 6 फ्यूल है। क्या है दोस्तों, अल्ट्रा क्लीन भारत स्टेज 6 फ्यूल है। अभी इंडिया में जो चल रहा है वो यूरो 4 फ्यूल चल रहा है दोस्तों, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि 2020 तक पूरे इंडिया में यूरो 6 फ्यूल ही चले, ऐसा हमारा टारगेट है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और दिल्ली एक पहला सिटी बन चुका है जहां पे यूरो 6 फ्यूल लागू किया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। फॉल ईगल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन US एंड साउथ कोरिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फॉल ईगल जो एक्सरसाइज है वो हर साल होती है, और इस बार USA ने ये एक्सरसाइज की है किसके साथ, साउथ कोरिया के साथ। ध्यान रखिएगा, फॉल ईगल एक्सरसाइज बिटवीन US एंड साउथ कोरिया। केरला ने एशिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्क्लेव शुरू किया था, वहाँ पे उसने जो भी एशिया लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम कॉन्जनरेशन, उसका नाम उस था हडल केरला, और वो हुआ था कहाँ पे दोस्तों, हुआ था वो कोवालम में, और उसकी तारीख थी 6 और 7 अप्रैल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्क्लेव जिसका नाम था हडल केरला, वो हुआ था कोवालम पे, और उसकी तारीख थी 6 और 7 अप्रैल। फॉर्मर मणिपुर चीफ मिनिस्टर आर के दोरेंद्र सिंह जो थे वो मर चुके हैं दोस्तों। जो आर के दोरेंद्र सिंह थे दोस्तों वो हमारे फॉर्मर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। सेबी ने जो एंजल फंड्स होते हैं दोस्तों, ध्यान ये दिखेगा, ये एंगल नहीं है, एंजल है, एंजल फंड्स जो होते हैं उसकी कैपेसिटी 5 करोड़ से बढ़ा के दोस्तों 10 करोड़ कर दी है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये एंजल फंड्स होते क्या है, तो वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी में अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका सेबी का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और उसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी। अब देखिए, एंजल फंड्स होते क्या है कि मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर, आपने नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, लेकिन आपका स्टार्टअप बिल्कुल नया है, आपके पास कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन आपका नया है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बैंक भी आपको लोन नहीं देगा, तो उस समय सेबी जो होता है वो एंजल फंड्स का इस्तेमाल करके आपको लोन देता है, तो उस वहाँ पे आपकी कंपनी वो इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो पहले 5 करोड़ थी वो बढ़ के 10 करोड़ हो चुकी है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों, वो अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगा, मतलब हमारी कंट्री में बहुत सारी ब्रांच उसकी खुलेगी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों, जो पहले जानी जाती थी जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से, और वो अभी इंडिया की सबसे लीडिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, ठीक है दोस्तों। अभी जना बैंक
अभी शुरुआत में 19 ब्रांच अपनी खोलेगी, मतलब 18 स्टेट में 19 ब्रांच, यानी कि हर एक स्टेट में करीबन एक ब्रांच खोलेगी, ठीक है दोस्तों। और उसमें से 25% जो ब्रांच है वो रूरल एरियाज में होगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 25% ब्रांच विल बी इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज। देखिए दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो है वो अभी अल्यूमनी ऑफ इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़क वासला में है, वो अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ किसके दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स DGBR का उनको खिताब मिल चुका है। वो भी बन चुके हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स, जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है वो भी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स बन चुके हैं। अमेरिकन डिप्लोमेट रोजमेरी डिकार्लो जो है दोस्तों वो अभी यूएन की पॉलिटिकल चीफ बन चुकी है, मतलब अभी यूएन के जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे वो उसके अंदर होंगे, वो उसकी हेड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अमेरिकन डिप्लोमेट रोजमेरी डिकार्लो अपॉइंटेड टू बिकम फर्स्ट वुमन टू हेड यूएन पॉलिटिकल अफेयर्स। देखिए दोस्तों, देवजानी घोष जो है वो भी बन चुकी है नास्कॉम की नई प्रेसिडेंट है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद आ भी जाए। देवजानी घोष जो है वो भी नास्कॉम की नई प्रेसिडेंट बन चुकी है। इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है सेल्स एंड मार्केटिंग ग्रुप और MD रह चुकी हैं इंटेल कॉरपोरेशन जो कि एशिया में था। देखिए दोस्तों, वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है सेल्स एंड मार्केटिंग ग्रुप की और वो MD रह चुकी है साउथ एशियन इंटेल कॉरपोरेशन की, यानी कि जो साउथ एशिया का इंटेल कॉरपोरेशन था उसकी वो MD रह चुकी है। देखिए, नास्कॉम के बारे में बात करें तो नास्कॉम का फुल फॉर्म है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नास्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है दोस्तों। और इसका काम क्या कर रहा है, तो इसका काम है ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, मतलब ये एक ट्रेड एसोसिएशन है इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और वो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री भी है। नास्कॉम का एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नास्कॉम के चेयरमैन है रमन रॉय, उसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया गया था दोस्तों, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया गया था। उसकी थीम थी एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स विद ऑटिज्म। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ऑटिज्म क्या है, तो ऑटिज्म एक तरह का डिसेबिलिटी है, एक तरह का डिजीज़ है जो एक बार आने के बाद हमेशा रहता ही है। इसके बारे में आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस की थीम क्या थी, ठीक है दोस्तों। 2 अप्रैल को दूसरा दिन था SIDBI का फाउंडेशन डे, यानी कि SIDBI उस दिन बना था। 1 अप्रैल को दोस्तों किसका फाउंडेशन था ये आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट में। चल मैं ही बता देता हूँ। तो 1 अप्रैल जो होता है दोस्तों वो RBI का फाउंडेशन डे है और 2 अप्रैल है दोस्तों SIDBI का फाउंडेशन डे है। तो उस समय SIDBI ने क्या किया है दोस्तों, उस लोगों को बैंक एबिलिटी की लॉन्च की है दोस्तों। SIDBI ने अपने फाउंडेशन दिन के वक्त बैंक एबिलिटी किट दी है, जिसमें उसके पार्टनर्स थे बैंक ऑफ बड़ौदा एंड IDBI बैंक। फिर उसने एक समृद्धि वर्चुअल असिस्टेंट पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट पोर्टल रोड किया है, उसका नाम है समृद्धि और जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है देखिए दोस्तों www.udyamimitra.in, ये है उसका वर्चुअल असिस्टेंट पोर्टल और उसका नाम उसने दिया है क्या दोस्तों, समृद्धि। फिर उसने MOU साइंस किया है किसके साथ दोस्तों, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ। और उसने दो MSMEs को इंश्योरेंस की पॉलिसी भी दी है जो उसने MOU के जरिए साइन की थी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि भाई MSME क्या होते हैं, तो MSME होते हैं दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। याद रखिएगा दोस्तों, MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब ये जो उसका फाउंडेशन डे है जो 2 अप्रैल को था, वो उसने किस तरह मनाया था दोस्तों, तो उसके उसने चार पिलर थे,
वो थे संपर्क यानी कि कनेक्ट, संवाद इंटरेक्शन, सुरक्षा सिक्योरिटी और संप्रेषण यानी कि डिसेमिनेट। अब SIDBI का हेडक्वार्टर्स है दोस्तों, वो है लखनऊ में उत्तर प्रदेश में, और उसके CEO है दोस्तों डॉक्टर खशत प्रति शिवाजी। दोस्तों मैंगलुरु एयरपोर्ट है उसको इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट यानी कि सब इंडिया का सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट के नाम से डिक्लेयर किया गया है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रभूषण जो हैं दोस्तों वो हमारे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा चंद्रभूषण हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। आदित्यनाथ योगी ने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एलिवेटेड रोड जो था उसका इनॉग्यूरेशन किया है दोस्तों, ये रोड है गाज़ियाबाद में, और इसकी ये रोड की जो लंबाई है यानी कि ये रोड 10.30 किमी लंबा है दोस्तों। आदित्यनाथ योगी सी मुख्यमंत्री है कहाँ के दोस्तों, उत्तर प्रदेश के। निर्मला सीतारामन है दोस्तों जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वो रशिया गई हुए है किसके लिए दोस्तों, तो कि 7th मॉस्को मीटिंग में। अब ये जो 7th मॉस्को मीटिंग है वो किसके लिए है दोस्तों, तो वो है भाई इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब रशिया की कैपिटल क्या है आप मुझे बताइएगा, उसकी करेंसी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तो रशिया की करेंसी है दोस्तों रशियन रबल। दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स जो था होता है वो आ चुका है, उसमें एशिया में दोस्तों सबसे पैसेदार कौन है दोस्तों, एशिया में सबसे पैसेदार जैक मा है जो कि अलीबाबा के फाउंडर है, और इंडिया में जो मुकेश अंबानी है वो थर्ड एशियन है सबसे पैसे वाले, और सेकंड एशियन है दोस्तों पॉलीमा, मतलब जेफ बेजोस जो कि दोस्तों अमेज़ॉन के फाउंडर है जेफ बेजोस, वो दुनिया के सबसे धनिक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, फिर उसके बाद 13 नंबर पे है जैक मा लेकिन एशिया में वो फर्स्ट है, फिर पॉलीमा है 17th नंबर पे लेकिन एशिया में वो सेकंड है, और मुकेश अंबानी है 19th नंबर पे लेकिन एशिया में वो थर्ड है। दोस्तों कोणार्क का जो सन टेंपल है वहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंटरप्रिटेशन सेंटर खुला है दोस्तों, याद रखिएगा कोणार्क का जो सन टेंपल है वहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंटरप्रिटेशन सेंटर खुला है, और टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाओं का इनॉग्यूरेशन हुआ है दोस्तों। और कोणार्क का जो ये सन टेंपल है वो कहाँ पे आया है दोस्तों, ओडिशा में, और ये जब जो हुआ दोस्तों वो हुआ था उत्कल दिवस, मतलब उत्कल दिवस का मतलब वो होता है दोस्तों ओडिशा का फाउंडेशन डे, और जो कि वो होता है 1 अप्रैल को। सो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जापान का जो सॉफ्ट बैंक ग्रुप है दोस्तों उसने 930 मिलियन डॉलर का इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा दोस्तों, किस सेक्टर में होगा दोस्तों, तो वो होगा सोलर एनर्जी वेंचर में, और उसमें पार्टनर रहेगी चाइनीज फर्म GCL, मतलब जापान की सॉफ्ट बैंक और चाइनीज फर्म GCL मिलके इंडिया में 930 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे सोलर एनर्जीज के लिए। ओला ने दोस्तों जो मुंबई बेस्ड रिडलर ऐप है दोस्तों जिससे हम टप लॉक टिकट बुक करते होंगे आपने देखा होगा, उसको खरीद लिया है, ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। होम ग्रोन राइड हेलिंग ऐप ओला हैज एक्वायर्ड मुंबई बेस्ड रिडलर एंड एंड टू एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकटिंग एंड कम्यूटिंग ऐप। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि रिडलर को किसने ख़रीदा है, तो वो है ओला ने, और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है रिडलर कहाँ से बेस्ड है, तो क्या वो भी बेस्ड है भाई मुंबई में, और रिडलर क्या है, तो भाई रिडलर है एक एंड टू एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकटिंग एंड कंप्यूटिंग ऐप। दोस्तों सरकार ने लॉन्च कर दिया है ई वे बिल जो कि इंटरस्टेट गुड मूवमेंट्स में आपको अपने पास रखना होगा या GST इंस्पेक्टर को देना होगा। अब ये ई वे बिल क्या है दोस्तों, अब मान लीजिए कि आप हरियाणा से है और आपको गुजरात में कुछ गुड्स सप्लाई करना है, अगर उस गुड्स की जो कीमत है वो 50,000 से ज़्यादा है तो आपको एक बिल
बनाना होगा उसका, उसको ईमेल और उसको जीएसटी इंस्पेक्टर को दिखाना होगा, तभी आप जाके आपका ये ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। ये इंटरस्टेट ई वे बिल है दोस्तों। इंटरस्टेट ई वे बिल दोस्तों जो है वो तो अभी लागू हो चुका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 20 अप्रैल से इंट्रास्टेट ई वे बिल भी लागू हो जाएगा। यानी कि अगर आपको एक स्टेट में ही उसके अंदर ही गुड्स को ट्रांसफ़र करना हो जिसकी कीमत 50,000 से ज़्यादा हो, तो उसके लिए भी आपको एक बिल इश्यू करवाना होगा और उसको जीएसटी इंस्पेक्टर को दिखाना होगा, तो वो भी शायद 20 अप्रैल से लागू हो जाएगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है वो आ चुका है। उसमें इंडिया का रैंक है 37th और टोटल उसमें पार्टिसिपेट कंट्री थी 125। उसमें यूएसए ने टॉप किया है, यानी कि यूएसए फर्स्ट नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है यूके दोस्तों। यहाँ पे आप मुझे ये जान के बताएं कि ये गूगल ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट कौन पेश करता है, कौन रजू करता है। देखिए दोस्तों किदंबी श्रीकांत, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको आंध्र प्रदेश की सरकार ने डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में नियुक्त कर लिया है, क्योंकि उनको पद्म भूषण मिला है और वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी है। याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने किदंबी श्रीकांत को डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। विनी मंडेला दोस्तों जो है, जो नेल्सन मंडेला की वाइफ है, उनकी डेथ हो चुकी है। विनी मंडेला जो है वो नेल्सन मंडेला की एक्स वाइफ है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट में बताइए कि नेल्सन मंडेला है वो कौन है। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि वो अफ्रीकन है, लेकिन यहाँ पर आपको मुझे ये बताना है कि उन्होंने अफ्रीका में ऐसा क्या काम किया था कि उनकी वाइफ भी, एक्स वाइफ की अगर डेथ हो जाती है तो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। देखिए दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि अभी अरुणाचल प्रदेश में AFSP एक्ट चल रहा है, उसको सेंटर ने पूरे अभी और 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अभी AFSP एक्ट क्या है दोस्तों, तो उस एक्ट का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। उस एक्ट के अंतर्गत जो आर्म फोर्सेस होती है उनको स्पेशल पावर दिया जाता है दोस्तों, जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है उनको स्पेशल पावर दिया जाता है, ताकि वो जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, याद रखिए दोस्तों ये टर्म डिस्टर्ब्ड एरिया जो है, उसको अच्छे से ठीक कर पाए और अपना काम अच्छे तरीके से किया जाए कर सके, इसीलिए उनको स्पेशल पावर दिया जाता है। किसके अंदर? AFSPA एक्ट के अंदर। अब यहाँ पे सवाल एक और भी बनता है जो SSC में आ सकता है कि AFSPA एक्ट कब आया था, तो दोस्तों AFSPA एक्ट आया था 1958 में। दोस्तों यूनिवर्सिटी कॉलेज है जहाँ के कुछ छात्रों ने वेस्टर्न घाट में एक नए प्लांट की स्पीशीज को खोज निकाला है दोस्तों। अब ये प्लांट है एक तरह का सेज प्लांट है दोस्तों, और उसका नाम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, अब ये मुझको प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो आप ध्यान से देख लीजिए, धीरे से देखिए दोस्तों, ये कुछ फ्रिम्बिस्टलिस अगस्तमालिनियस ऐसा कुछ नाम है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सवाल यही बनेगा कि उस ये प्लांट क्या है, तो दोस्तों ये सेज का प्लांट है। सेज एक तरह का छोटा सा पौधा होता है दोस्तों, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों कार्लोस अल्वाराडो जो है सिटीजन एक्शन पार्टी से उनको कोस्टारिका के नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट कर लिया गया है दोस्तों। याद रखिएगा, कोस्टारिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं कार्लोस अल्वाराडो, कोस्टारिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं कार्लोस अल्वाराडो, और उनका पीरियड होगा दोस्तों 2018 से लेके 2022 तक। कोस्टारिका की दोस्तों करेंसी है वो है कोस्टारिकन कॉलन, और उसका कैपिटल है दोस्तों सैन जोस। दोस्तों 21 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार हो रहे हैं दोस्तों गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, याद रखिएगा। 21 में कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं 4 अप्रैल से, और वो खेले जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे दोस्तों? गोल्ड कोस्ट में, और गोल्ड कोस्ट में जो जहाँ पे वो खेले जा रहे हैं उस स्टेडियम का नाम है दोस्तों करारा स्टेडियम क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट में।
दोस्तों इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स है गेम्स है उनका मोटो है शेयर एंड ड्रीम। उसका एम्बलम यहाँ पे देख याद रखिएगा दोस्तों, एम्बलम तो वैसे एग्ज़ाम में नहीं आता लेकिन मोटो याद रखिएगा। और उसका मैस्कट है दोस्तों बोरोबी। अब ये बोरोबी एक तरह का ब्लू खोलला होता है, आप गूगल में सर्च करिएगा आपको इमेज मिल जाएगी दोस्तों। ये आपको याद रखना ही रखना है, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कॉमनवेल्थ के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, उसमें से कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम का 21st एडिशन खेला जा रहा है गोल्ड कोस्ट जो कि है ऑस्ट्रेलिया में। उसका मोटो है शेयर एंड ड्रीम, उसका मैस्कट है बोरोबिंग। प्रकाश जावेदकर है दोस्तों, उन्होंने इंडिया रैंकिंग्स 2018 का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों। प्रकाश जावेदकर ने जो हमारे HRD मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया रैंकिंग्स 2018 का रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों। उसमें से यानी कि कौन सी इंस्टीट्यूशन अच्छी है उसकी लिस्ट आती है, मतलब पहले नंबर पे कौन है दूसरे नंबर पे कौन है। और ये लिस्ट आती है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब ये जो इसका रैंकिंग होता है वो इस अंदर इस फ्रेमवर्क के अंदर होता है। उस फ्रेमवर्क का नाम है दोस्तों NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। दोस्तों हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है सुरेश प्रभु जो कि पहले हमारे रेलवे मंत्री थे, उन्होंने एक डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? ताकि एक्सपोर्ट करने में हमें बहुत ही आसानी हो। और ये उन्होंने स्टार्ट किया है न्यू दिल्ली में। देखिए दोस्तों द यूनियन मिनिस्टर लॉन्च 3 इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल्स नेमली सेफ फूड एक्सपर्ट ट्रेसेबिलिटी पोर्टल, 1 लेबोरेटरी 1 असेसमेंट पोर्टल, मॉनिटरिंग एक्सपोर्ट अलर्ट्स पोर्टल। और ये उन्होंने स्टार्ट ये तीनों पोर्टल दोस्तों उन्होंने स्टार्ट किए हैं न्यू दिल्ली में। अभी इससे क्या होगा दोस्तों? तो दिस पोर्टल विल ब्रिंग टुगेदर ऑल रेगुलेटर्स एसरेगुलेटर्स बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स एट वन प्लेस। दोस्तों जो हमारे फॉर्मर HRD सेक्रेटरी थे VS ओबेरॉय, उनको एक कमेटी का हेड बनाया गया है दोस्तों। जो कमेटी काम करेगी, जैसे कि आपने सुना होगा CBSE के जो पेपर लीक हुए हैं, तो उन पेपर लीक के वजह क्या थी और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसकी जो कमेटी बिठा जाएगी उसको हेड करेंगे हमारे फॉर्मर HRD सेक्रेटरी फॉर्मर HRD सेक्रेटरी VS ओबेरॉय। हमारे अभी के HRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रकाश जावेदकर जो कि मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों HDFC बैंक ने साइन किया है MOU इंडियन आर्मी के साथ और उसका काम होगा दोस्तों डिफेंसिव सैलरी पैकेज देना। अभी इस MOU के अंतर्गत क्या क्या है ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो MOU है दोस्तों, इस MOU के अंतर्गत अगर कोई आर्मी के पर्सन है उसको पर्सन एक्सीडेंट के अंदर या फिर डेथ कवर के अंदर उसको 30 लाख रुपए तक का 30 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों मैं पढ़ देता हूँ, अंडर द करंट MOU अपार्ट फ्रॉम अदर बेनिफिट्स द आर्मी पर्सनल विड गेट फ्री पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर एंड फ्री परमानेंट डिसेबिलिटी कवर ऑफ 30 लाख। तो अगर आप एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है या आपकी मौत हो जाती है या आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है तो HDFC बैंक आपको दोस्तों देगा 30 लाख रुपए अगर आप आर्मी से हैं तो। फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्री एजुकेशनल कवर अप टू ₹1 लाख पर ईयर फॉर 4 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट चाइल्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ डिफेंस एंड पर्सन 100% प्रोसेसिंग फीस वेव फॉर कार लोन्स एंड पर्सनल लोन्स। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 लाख तक का एजुकेशनल का जो कवर है वो HDFC बैंक आपको देगा 4 साल के लिए। अगर दोस्तों आपकी एक्सीडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो जाती है और उसकी जो 100% यानी कि पूरी की पूरी लोन की प्रोसेसिंग फीस है और कार लोन की जो फीस है या पर्सनल लोन की फीस है वो सब HDFC चुकाएगा। तो ये सब आप ध्यान से पढ़ दीजिएगा।
दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीआई ने अभी अभी जियो पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस दे दिया है। जियो पेमेंट्स बैंक क्या है दोस्तों? हमारा छठा पेमेंट बैंक है अभी तक का। सबसे पहला पेमेंट बैंक था दोस्तों हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक, और आप उसको कह सकते हैं भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक। उसके बाद खुला था फिनो पेमेंट बैंक्स, उसके बाद खुला था आदित्य बिरला पेमेंट आइडिया पेमेंट बैंक्स, उसके बाद था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और उसके बाद था दोस्तों पेटीएम का पेमेंट्स बैंक। तो भी जो छठा पेमेंट बैंक्स खुला है दोस्तों वो खुला है जियो पेमेंट बैंक्स। दोस्तों ये जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस देने का जो एक्ट है दोस्तों या सेक्शन है वो कौन सा है? तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, एसएससी में आ सकता है, सेक्शन 22(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद रखिएगा दोस्तों सेक्शन 22(1) अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दोस्तों हमारी जो विदेश मंत्री है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज है, वो अभी अज़रबैजान पहुंची है। वो पार्टिसिपेट करेगी हमारी 18th नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो मीटिंग है दोस्तों, 18th नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसको NAM भी कहा जाता है, उसमें उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सुषमा स्वराज गई हैं दोस्तों। कहाँ गई है? अज़रबैजान। अब ये कोई नई कंट्री आई है दोस्तों, तो उसके बारे में भी आपको जानना होगा। तो उसकी कैपिटल है बाकू, उसकी करेंसी है अज़रबैजानी मैनत, और उसके प्रेसिडेंट है इल्हान अलीयेव। याद रखिएगा दोस्तों ये सब आपको याद रखना है। अब ये दोस्तों यहाँ पे सवाल एक और बनता है कि ये नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM क्या है? तो दोस्तों NAM इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विथ और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक। ध्यान रखिए दोस्तों NAM इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विथ और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक। मतलब दोस्तों ये एक ऐसे स्टेट्स या ऐसे कंट्रीज का ग्रुप होता है जो कोई बड़ा सा पावर, मान लीजिए, यानी मान लीजिए कि कोई बड़ा सा सुपर पावर बन गया रातों रात, कुछ वॉर हो गया, तो ये स्टेट्स ना तो उसके अगेंस्ट में होते हैं और ना तो उसके साथ में होते हैं। उसको नॉन अलाइंड स्टेट्स कहा जाता है, और इसकी जो मूवमेंट है उसको कहते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो दोस्तों ये जो NAM स्टेट्स है उसकी अभी मीटिंग है अज़रबैजानी, पता नहीं कि उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा AZERBAIJANI। और दोस्तों अभी हमारी जो विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज है वो वहाँ पे गई है। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंडसलैंड बैंक हैज रिसीव्ड RBI's अप्रूवल टू बाय सिक्योरिटीज सर्विसेज आर्म ऑफ ILNFs। दोस्तों एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है जिसको इंडसलैंड बैंक कहा जाता है, उसको RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि ILNFs का अप्रूवल दे दिया है। अब ये क्या है ये तो आपको गूगल करके पता करना होगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताने जाऊंगा तो बहुत वक्त चला जाएगा, इसलिए आपको ये अपने आप पढ़ना होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम में ऐसे तो आएगा नहीं, लेकिन सिर्फ आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए कि भाई ILNFs क्या है। तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, और वो उसका काम करता है इंडसलैंड बैंक, और उसको RBI ने सिक्योरिटी सर्विस आर्म्स जाने के लिए क्या दे दिया दोस्तों? अप्रूवल दे दिया है। चलिए दोस्तों वो ये एक बड़ी खबर है, वैसे तो ये न्यूज़ में नहीं आएगा लेकिन मैंने आपको बताने का सोचा है। जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने एक भाई वो ऐसा कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग हाईवेज उन्होंने लागू कर दिया है। तो अभी क्या होगा दोस्तों, जो पहले तो हाईवे एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाने तक का जो जितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, याद रखिए दोस्तों डिस्टेंस है, उसी को माना जाता था। मतलब आप दिल्ली से, अगर मान लीजिए आप दिल्ली से जा रहे हैं, मान लीजिए दोस्तों आप दिल्ली से चले गए उत्तर प्रदेश की बॉर्डर तक हाईवे के ज़रिए, तो दिल्ली से यूपी तक की बॉर्डर का जो डिस्टेंस होगा और उसमें जो भी रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 50 किलोमीटर हो या 100 किलोमीटर हो दोस्तों,
उसी को मापा जाता था कि इतना रोड कंस्ट्रक्ट हुआ। लेकिन अभी क्या होगा दोस्तों, अगर वो रोड टू है, टू लेन हो या फोर लेन है, तो उसका जो भी डिस्टेंस है उसके मल्टीप्लाई किया जाएगा। मान लीजिए अगर दिल्ली से उत्तर प्रदेश बॉर्डर का तक का रोड का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स, लेकिन वो रोड इन्होंने बनाया है फोर लेन्स का, तो वो रोड 100 × 4 यानी कि 400 किलोमीटर्स का गिना जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा सीधा 100 का 400 हो गया दोस्तों। तो बड़े बड़े आंकड़े दिखाने की यहाँ पे बात है, और वो लागू किया है दोस्तों हमारे नितिन गडकरी जी ने। दोस्तों टर्किश प्रेसिडेंट रिकेप तैयब एर्डोगन और व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने तुर्की का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट वो मेडिटेरियन मेडिसिन रीजन में उसका इनॉग्रेशन किया है दोस्तों। तुर्की का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका नाम है दोस्तों अक्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। याद रखिएगा दोस्तों अक्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो कि तुर्की का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है दोस्तों। तुर्की की कैपिटल है अंकारा और तुर्की करेंसी है दोस्तों टर्किश लीरा। दोस्तों OPCW है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। दोस्तों OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, उसकी दोस्तों अभी मीटिंग होने वाली है, और वो मीटिंग दोस्तों होने वाली है किसके ऊपर दोस्तों, स्क्रीपाल के ऊपर। अभी ये स्क्रीपाल कौन है दोस्तों, दोस्तों ये स्क्रीपाल एक आदमी है जो कि रशिया का जासूस था और वो इंग्लैंड में रह रहा था, लेकिन माना जाता है कि रशियन ने उसको इंग्लैंड समझ के मार दिया और उसकी बेटी या बीवी को भी मार दिया, और इसी वजह से ये इसकी मीटिंग हो रही है दोस्तों। तो OPCW का हेडक्वार्टर्स है दोस्तों द हेग में, या हेग में, और वो है नीदरलैंड्स में। याद रखिएगा दोस्तों, वैसे तो ये स्ट्रिकल एपिसोड आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन OPCW का फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है वो आ सकता है दोस्तों। एक PMI है जो ये फाइनेंशियल टर्म्स है, ये न्यूज़ तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ये फाइनेंशियल टर्म्स के रूप में लिया है। तो दोस्तों वह है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। याद रखिए दोस्तों PMI है, वह है परचेजिंग, उसका फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब ये क्या है दोस्तों, तो ये एक तरह का इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है, क्या करता है दोस्तों, कि जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है दोस्तों, ये उसको इंडिकेट करता है, और वो भी एक्टिविटी चाहे मैन्युफैक्चर सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में हो। याद रखिएगा दोस्तों इसकी डेफिनेशन, PMI इज़ अ इंडिकेटर टू इंडिकेट बिजनेस एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर। इसकी जो कैलकुलेशन होता है दोस्तों वो सर्वे के जरिए होता है, और ये उसका जो सर्वे का जो रिज़ल्ट आता है दोस्तों वो हर महीने के स्टार्ट में, यानी कि जैसे ही महीना शुरू हुआ और इसका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाता है। और ये दोस्तों स्पॉन्सर कौन करता है दोस्तों, ये स्पॉन्सर करता है NIKKEI निकेई। दोस्तों स्पेनिश गोलकीपर पोर्टोज इकर कैसलास जो हैं दोस्तों, स्पेनिश गोलकीपर एंड फोटोज, उनका नाम है इकर कैसिलास, उन्होंने अपना 1000th मैच खेला है अपने करियर का एज अ गोलकीपर एंड पोर्टो फ्रॉम स्पेन। याद रखिएगा दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग बैरर जो होंगी वो होंगे मार्क नोल्स। याद रखिएगा दोस्तों मार्क नोल्स टू बी ऑस्ट्रेलियाज फ्लैग बैरर इन कॉमनवेल्थ। और इंडिया का जो फ्लैग है दोस्तों वो हमारी PV Sindhu बैर करेंगी। सो मार्क नोल्स विल बी द ऑस्ट्रेलियाज फ्लैग बैरर इन कॉमनवेल्थ एंड PV Sindhu विल बी इंडियाज फ्लैग बैरर इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं गोल्ड कोस्ट में। दोस्तों वेल्स की एक एना हर्सरी करके लड़की है जो सिर्फ 11 साल की है, वो दुनिया की मतलब अभी तक की सबसे यंगेस्ट, अभी तक की सबसे छोटी कंपिटिटर है जो कि कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करेगी, वो है वेल्स से, उनका नाम है एना हर्सरी, वो 11 साल की है और वो टेबल टेनिस खेलती है। दोस्तों नासा ने अभी तक का सबसे दूर का स्टार खोज लिया है दोस्तों,
कितना दूर, कोई स्टार नहीं है, उसका नाम उसने दिया है इकारस, और उसका ऑफिशियल नाम है दोस्तों वो है MSES J1149+2233, सॉरी 2223 LENSC D*1। ये 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है दोस्तों। नासा ने जो इकारस स्टार खोजा है ये अभी तक का सबसे दूर का स्टार है, वो 5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। दोस्तों जो स्काईमेट सिस्टम है ये आपने सुना होगा, स्काईमेट फोरकास्टर, उन्होंने ऐसा फोरकास्ट किया है कि इस साल का जो मानसून होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और इस समय जो ड्रॉट है तो जो दुकाल के लक्षण होते हैं वो बिल्कुल नहीं है। एवरेज रेनफॉल जो है दोस्तों हमारा 887 mm, वो जून से सितंबर में इतना तो हो जाएगा। और जो हमारा ऑफिशियल फोरकास्टर है दोस्तों इंडिया का, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो भी ये फोरकास्ट सेम ही करने वाला था, और वो अभी इस मंथ एंड तक कर ही देगा दोस्तों। और उन्होंने ऐसा भी बताया है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और स्काईमेट फोरकास्टर इन दोनों ने बताया है कि इस बार एलनीनो की जो इफेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इंडिया इज़ द थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइबर थ्रेट्स आफ्टर US एंड चाइना। दोस्तों जो इंटरनेट से हमारे हमारे कंप्यूटर्स या मोबाइल्स या जो भी हम बैंकिंग का काम करते हैं उन सबको खतरा है, उसमें जो हमारे इंडिया जो है दोस्तों वो थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, यानी कि सब इंडिया पे सबसे ज़्यादा अटैक होने के चांसेस है दोस्तों। और उसमें टॉप किया है दोस्तों US एंड चाइना ने, यानी कि US और चाइना तो हमसे भी ज़्यादा सिक्योरिटी के रूप में वनरेबल है। तो आपका दोस्तों अगर आपके किसी में वायरस है तो एंटीवायरस लाइए और इंटरनेट सिक्योरिटी का कुछ कीजिए, वरना आपका बैंक का अकाउंट हैक हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इंडिया जापान एंड US उन्होंने अभी मीटिंग किया है, और उनमें उन्होंने सी लेंस यानी कि जो सी ट्रेड है उसको ओपन करने के लिए बात की है दोस्तों। ये एक ट्रायलेटरल मीटिंग थी दोस्तों, जो उसके ये सी ट्रेड के अलावा दोस्तों इसका और भी फोकस था, वो था काउंटर टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म को कैसे हैंडल करना है और कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है। ये दोस्तों इंडिया जापान और US की 9th ट्रायलेटरल मीटिंग थी, ये लोग 9वीं बार मिले थे, और ये हुई हेल्ड हुई थी दोस्तों न्यू दिल्ली में। दोस्तों अभी के जो UN का सिक्योरिटी काउंसिल का जो टेररिस्ट लिस्ट का रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं दोस्तों, UN के सिक्योरिटी काउंसिल के जो टेररिस्ट का लिस्ट आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 139 टेररिस्ट रह रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। UN के सिक्योरिटी काउंसिल का जो टेरर लिस्ट का अपडेट आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 139 टेररिस्ट रह रहे हैं दोस्तों। इसमें हाफिज सईद है, लश्कर ए तैयबा के लोग हैं, दाऊद इब्राहिम है, और हकनिस भी है दोस्तों, बड़े बड़े नाम है देखिए, और इन सबको पाकिस्तान सहारा दे रहा है अपने अंदर। इसी वजह से दोस्तों जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उन लोगों ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्टेड कंट्री में शामिल कर लिया है दोस्तों। ये UN का दो लिस्ट होते हैं, ग्रे लिस्टेड और ब्लैक लिस्टेड। ग्रे लिस्टेड कंट्री ऐसे होते हैं दोस्तों जिस पे कोई आरोप है लेकिन वो साबित नहीं हुआ है, और ब्लैक लिस्टेड ऐसे होते हैं जिस पे आरोप वो साबित हो चुका है। तो पाकिस्तान को अभी ये इन सब आतंकवादियों को रखने का आरोप है, इसीलिए उसको ग्रे लिस्टेड कंट्री में शामिल किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा। दोस्तों इंडिया अभी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा यानी कि दूसरा नंबर का मैन्युफैक्चरर बन चुका है दोस्तों। पहले जापान दूसरे नंबर पे था, वो अभी तीसरे नंबर पे चला गया है, और इंडिया बन गया है दोस्तों दूसरे नंबर पे। और दोस्तों चाइना का जो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन है वो इंडिया से भी ज़्यादा है, इसलिए चाइना है दोस्तों पहले नंबर पे। एक बात यहाँ पे ये जानने वाली है दोस्तों कि क्रूड स्टील का जितना भी मैन्युफैक्चरर है उसमें से 50% से ज़्यादा यानी कि आधे से ज़्यादा का प्रोडक्शन तो सिर्फ चाइना में ही होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो चाइना पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है इंडिया, और तीसरे नंबर पे अभी हो गया है जापान जो कि पहले दूसरे नंबर पे था। दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है यानी कि हम जो ये और इसका जो क्रूड स्टील का हमारा प्रोडक्शन होता है वो दोस्तों होता है स्टील यूज़र फेडरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिए दोस्तों स्टील यूज़र्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इस यूनिट का हमारा टारगेट है कि वो 300 क्या दोस्तों 300 MT मतलब 300 मिलियन टन्स का टारगेट है दोस्तों अचीव करना।
वो 2030 तक का उनको इतना टारगेट अचीव करना है, मतलब इतना प्रोडक्शन करना है, ये उनका टारगेट है। दोस्तों स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर निकुंज तुराखिया, और उसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। दोस्तों इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड यानी कि IBC है, उस पर अभी कुछ चेंजेस लाने गए हैं आए गए हैं, और उन चेंजेस की जो कमेटी थी दोस्तों वो थी इंजेति श्रीनिवासन ने हेड की थी। वो 14 लोगों के पैनल थी दोस्तों, उसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस लाने की बात हुई है, उन लोगों ने रिकमेंड की है दोस्तों। तो दोस्तों इंजेति श्रीनिवास ने 14th मेंबर के पैनल को हेड किया था, जिन लोगों ने IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में परिवर्तन लाने की बात की है। अब ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्या होता है दोस्तों? तो इंसॉल्वेंसी यानी कि आप मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ी कंपनी चला रहा है, लेकिन अब आपके पास अभी कोई पैसा बचा ही नहीं, आपको बहुत नुकसान हो गया, आप अपने खुद भी बिल की नहीं भर रहे, भरने के काबिल नहीं रहे, आपके पास पैसा है ही नहीं, आपके पास अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसा नहीं है, आपने अगर किसी से लोन लिया है तो वो चुकाने के लिए पैसा नहीं, मतलब आप पूरी तरह बेकार हो चुके हैं, तो उसको इंसॉल्वेंसी किया जाता है। और आपकी ये बेकारी कि आप मान लेते हैं यानी कि ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमारी कंपनी लूट गई, ऐसा आप ऑफिशियली ऑन पेपर डिक्लेयर करते हैं तो आप बैंकरप्ट किए जाते हैं। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इंसॉल्वेंसी में ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं होता, लेकिन बैंकरप्सी में हो जाता है दोस्तों। दोस्तों दोहा बैंक जो है, जो है कतर बेस का, कतार का दोहा बैंक है दोस्तों, वो अपनी तीसरी ब्रांच चेन्नई में खोलने वाला है दोस्तों। उसके CEO है राघवन सीतारमन, याद रखिएगा दोस्तों दोहा बैंक जो कतार बेस है उसके CEO है राघवन सीतारमन, वो अपनी तीसरी ब्रांच चेन्नई में खोलने वाला है। उसकी दो ब्रांच पहले से मुंबई और कोची में है। दोस्तों नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जो कि सेमी जुडिशियल बॉडी है, जो इंडियन कंपनीज के रिलेटेड एक्ट है दोस्तों, उस पर काम करती है। अगर कोई आपकी कंपनी पे केस करता है दोस्तों तो वो केस कोर्ट पे नहीं जाता, वो जाता है NCTL नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। दोस्तों एशियल ये जो NCTL है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसका एस्टैब्लिशमेंट दोस्तों हुआ था 2013 में दोस्तों, और इसका फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था 2016 से, और अभी इसकी सिर्फ 11 ब्रांच है, और अभी इसकी ज़्यादा ब्रांच खुलने वाली है ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है, और इसीलिए इसे मैंने इसमें न्यूज़ में लिया है। और दोस्तों इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों MM कुमार। दोस्तों एक और बात न्यूज़ में थी दोस्तों, वो थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है दोस्तों? तो मान लीजिए कि जो फिज़िकल डिवाइस हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि मान लीजिए आपके घर में वाईफाई है, और उसी वाईफाई से आपका प्रिंटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका TV, ये चार फिज़िकल डिवाइस, मतलब जिसको आप छू सकते हैं वैसे डिवाइस कनेक्टेड है एक वाईफाई से, एक इंटरनेट से, तो दोस्तों उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। ये वर्ड दोस्तों लाया गया था किसके द्वारा दोस्तों? केविन एस्ट्रॉन के द्वारा 1999 में। दोस्तों रे विल्किंस है जो फॉर्मर इंग्लैंड और मैनचेस्टर के फुटबॉलर थे, उनकी डेथ हो चुकी है, रे विल्किंस। दोस्तों बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों हिमंता बिश्वा शर्मा, वो BAI के बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि वो अभी आसाम में एक मिनिस्टर भी है। दोस्तों BAI एक ऐसी बॉडी है जो बैडमिंटन को मैनेज, बैडमिंटन स्पोर्ट्स के लिए मैनेजमेंट बॉडी है दोस्तों, जैसे कि हमारे क्रिकेट के लिए BCCI है, वैसे ये BAI है, और वो फॉर्म हुई थी 1934 में दोस्तों, और उसका हेडक्वार्टर्स है दोस्तों लखनऊ में। दोस्तों BFTA है, उसका फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक ब्रिटिश की फिल्म फेम एडवर्ड्स जैसा कुछ है, उसने अनुपम खेर को नॉमिनेट किया है दोस्तों बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में, और उनकी जो जिसके लिए अपॉइंट किया गया है वो एक प्ले था दोस्तों, और वो था द बॉय विद द टॉप नॉट,
याद रखिएगा दोस्तों, द बॉय विद द टॉप नोट के सपोर्टिंग एक्टर के अनुपम खेर को BAFTA ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया है। दोस्तों गोवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उसका इनॉग्रेटेड हुआ है, कहाँ पे? गोवा में। दोस्तों तियांगोंग वन ये चाइना का दोस्तों क्या है, सैटेलाइट है, स्प्रेग। दोस्तों तियांगोंग वन जो कि क्रैश हो गया था और उसको चाइना ने दोस्तों लैंड करवा दिया है पॉइंट नीमो के आसपास, उसको कहा जाता है दोस्तों स्पेस क्राफ्ट सेमेटरी ग्रेवयार्ड, यानी कि जो भी स्पेस क्राफ्ट का जो कचरा कूड़ा होता है वो सब वहीं लैंड होता कहा जाता है। वो साउथ और पैसिफिक ओशन के पास है जिसको पॉइंट नीमो भी कहा जाता है और उसका ऑफिशियल नाम है स्पेस क्राफ्ट सेमेटरी ग्रेवयार्ड। दोस्तों अभी अभी हमारे कैबिनेट में कुछ अप्रूवल्स आए हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों कैबिनेट ने जो हमारे अफगानिस्तान के साथ जो भी हमने एग्रीमेंट किए थे उसको अप्रूव कर लिया है, वो एग्रीमेंट हुए थे दोस्तों फूड सेफ्टी और अदर रिलेटेड एरियाज़ में जिसमें एग्रीकल्चर भी था। तो फूड सेफ्टी और एग्रीकल्चर के लिए जो हमारे अफगानिस्तान के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हुए थे वो कैबिनेट में अप्रूव हो चुके हैं। दोस्तों इंडिया और ईरान के बीच जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई एक्सपर्ट ग्रुप ऑन ट्रेड एंड रेमेडी मेजर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, क्या किया जाए दोस्तों, एक एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑन ट्रेड एंड रेमेडी मेजर्स, तो उसका भी कैबिनेट में अप्रूव हो चुका है। फिर दोस्तों कैबिनेट ने ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन बिल 2018 को भी अप्रूव कर लिया है, जिसमें दोस्तों ये ध्यान रखिएगा एक बात की गई है कि भाई नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है, हमारा कंट्री का जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है उसको हमारे ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक मेंबर बनाया जाए और इसमें जो भी कमीशन बने उसमें एक वुमेन को कंपलसरी उसका पार्ट बनाया ही जाएगा। ये ह्यूमन राइट्स का जो बिल 2018 का है उसमें बात दो की गई थी और उसको अप्रूव किया जा चुका है। दोस्तों आरबीआई की बाई मंथली पॉलिसी आ चुकी है और ये एक खुशी की बात ये है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों, वो सब पहले के जैसा ही है दोस्तों, रेपो रेट अनचेंज है यानी कि बाकी सारे रेट भी अनचेंज्ड है। इंडिया का जो दोस्तों उन लोगों ने एक GDP एस्टिमेट किया है दोस्तों, वो अभी उन्होंने एस्टिमेट किया है 6.6%। दोस्तों अगर हम खाने के और क्रूड ऑयल यानी कि फ्यूल को बात करते तो दोस्तों हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो अनचेंज रहा है, मतलब 5.2% पर ही रहा है। लेकिन अगर खाने को और क्रूड ऑयल को फूड और फ्यूल को इंक्लूड करते तो दोस्तों हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हो चुका है, वो हो गया है 4.4%। दोस्तों फ्लिपकार्ट ने मेक माई ट्रिप के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, फ्लिपकार्ट ने मेक माई ट्रिप के साथ अग्रीमेंट साइन किया है दोस्तों, जिसमें जो भी आप मेक माई ट्रिप में करते थे, टिकट्स बुक करते थे, ट्रैवल बुक करते थे, वो भी आप फ्लिपकार्ट के ज़रिए भी कर पाएंगे और उसमें आप मेक माई ट्रिप के अलावा उसकी जो भी सब्सिडरीज हैं जैसे कि गो आई बी और रेड बस उसका इस्तेमाल भी आप फ्लिपकार्ट के ज़रिए कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और इसका हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। दोस्तों सुब्रता भट्टाचार्य जो है उनको हमारे अगले नेक्स्ट एम्बेसेडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, सर्बिया के लिए इंडिया के जो एम्बेसेडर है उसके लिए सुब्रता भट्टाचार्य को अपॉइंट किया गया है। दोस्तों सर्बिया की जो कैपिटल है वो दोस्तों बलग्रेड है और उसकी करेंसी है वो दोस्तों सर्बियन दिनार है। यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि दिनार कौन से दूसरे कंट्री के लिए भी करेंसी है। दोस्तों संजीव न्यूतियाल है वो हमारे नए MD एंड CEO है SBI लाइफ इंश्योरेंस के, SBI लाइफ इंश्योरेंस है दोस्तों, SBI बैंक नहीं है याद रखिएगा, SBI लाइफ इंश्योरेंस के नए CEO है संजीव न्यूतियाल। अब ये SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है दोस्तों वो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन SBI बैंक एंड BNP
परिबास कैटरिव, और इसका हेडक्वार्टर्स है दोस्तों मुंबई में। दोस्तों फिर ओलंपिक्स की बात आ गई तो मीराबाई चानू जो हमारी है उन्होंने फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल, यानी कि इंडिया ने आज तक कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल नहीं जीता था, लेकिन इस बार इंडिया का फर्स्ट मेडल इस साल का भी और अभी तक का भी वो जीता है दोस्तों मीराबाई चानू ने। उसने उनकी उम्र है दोस्तों 23 साल और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 48 kg वेट लिफ्टिंग में दोस्तों, और उन्होंने टोटल 86 kg वेट लिफ्ट किया था और 196 पॉइंट स्कोर किए थे। तो दोस्तों इंडिया का सबसे पहला कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने, जो कि 23 साल की है। उन्होंने 48 kg कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने 86 kg वेट लिफ्ट किया था। दोस्तों पी गुरुराजा ने भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीत लिया है, मतलब वो दूसरे नंबर पे आए हैं। उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 56 kg कैटेगरी में, उन्होंने उठाया दोस्तों 249 kg वेट लिफ्ट किया है दोस्तों। फर्स्ट मेडल जो गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में 56 kg कैटेगरी में मिला है दोस्तों, वो मिला है मलेशिया को, और सिल्ब्रॉन्ज मिला है दोस्तों श्रीलंका को। मलेशिया की कैपिटल है दोस्तों कैनबेरा, उसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, उसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और उसके पीएम है दोस्तों मेलकॉन टर्नबुल। अभी आपको बोलेगा कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्यों आ गया, तो मैंने आपको बताया दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे हैं। दोस्तों 5 अप्रैल जो है वो नेशनल मैरिटाइम डे की तरह से मनाया गया, उसकी थीम थी इंडियन शिपिंग एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। दोस्तों 5 अप्रैल जो है वो नेशनल मैरिटाइम डे की तरह से मनाया गया, उसकी थीम थी इंडियन शिपिंग एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। दोस्तों इंडिया के पास करीबन 7516 किमी किलोमीटर का क्या बोलते हैं कोस्ट लाइन है दोस्तों, मतलब 7516 किलोमीटर की जो हमारा एरिया है उस पे दरिया पड़ता है दोस्तों, और उसमें टोटल 182 पोर्ट्स है। दोस्तों मलयालम मूवी एक्टर कोलम अजीत, मैं आशा करता हूँ कि आपने उनकी एक फिल्म कम से कम देखी होगी, अभी मैंने तो देखी है, कमाल के एक्टर थे। मलयालम एक्टर दोस्तों कोलम अजीत, उनकी मौत हो चुकी है, ज़्यादातर उन्होंने विलन के जो रोल है वो बहुत अच्छे किए थे, याद रखिएगा दोस्तों कोलम अजीत थे मलयालम एक्टर, उनकी डेथ हो चुकी है, वो सिर्फ 56 साल के थे ही दोस्तों, सिर्फ 56 ईयर ओल्ड। दोस्तों हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने कर्नाटका में जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 450 सखी पिंक बूथ्स को रखने का क्या बोलते हैं डिसाइड किया है दोस्तों, 450 सखी पिंक बूथ्स। अब ये 450 सखी पिंक बूथ्स है क्या दोस्तों, तो ये बूथ्स ऐसे हैं दोस्तों जो सिर्फ वीमेंस के लिए ही होंगे, ताकि वहाँ पे वीमेंस के अलावा किसी को भी वोट देने के लिए नहीं जाया जाएगा। और ये ऐसा किया गया है ताकि वीमेन का जो वोटर्स है वो बढ़े दोस्तों। ये ऐसे बूथ ऐसे एरिया में ही ओपन होंगे जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन मेल की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो, याद रखिएगा दोस्तों पिंक बूथ्स विल बी ओपन इन एरियाज वेयर द फीमेल पॉपुलेशन इज मोर देन मेल वोटर्स। और इस बूथ की एक और विशेषता है दोस्तों, यहाँ का जो स्टाफ है यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और माइक्रो ऑब्जर्वर्स ये और सिक्योरिटी वो सब भी फीमेल होगी, कोई मेल नहीं होगा। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि सलमान खान को ब्लैक बक को मारने के केस में अभी जेल में डाल दिया है दोस्तों। उनके साथ सैफ अली खान थे, नीलम थी, तबू थी, सोनाली बेंद्रे भी थे, लेकिन उन सबको छोड़ दिया गया है, सिर्फ सलमान खान को ही जेल में डाला गया है दोस्तों। उन्होंने ब्लैक बक को मारा था 1998 में, यानी कि करीबन 20 साल हो चुके हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो ब्लैक बक को मारने का केस है उनको वो कौन से सेक्शन में अंदर आता है, ये आपका सवाल बन सकता है दोस्तों। तो ये सेक्शन है दोस्तों 951 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखिएगा दोस्तों सलमान खान वॉज फेसिंग चार्जेस अंडर सेक्शन 9/51 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों सलमान खान का जो अभी कैदी नंबर है वो है 106,
हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन कुछ लोग फेसबुक पे ऐसे फालतू के सवाल डालते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट क्लस्टर यूनिवर्सिटी है वो खुलने वाली है दोस्तों, उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। अब सवाल ये बनता है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्या है दोस्तों। तो एक गिग टाइप की ऑटोनॉमस बॉडी होती है जो एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होती है, लेकिन उसमें उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट यानी कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो एक क्लस्टर एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश में खुलने वाली है। दोस्तों सऊदी अरेबिया में 35 साल बाद एक सिनेमा खुलने वाला है दोस्तों, थिएटर खुलने वाला है 35 साल बाद, याद रखिएगा दोस्तों। और वो खुलेगा 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, और वो होगा यूएस बेस्ड। सऊदी अरेबिया में 35 साल बाद एक यूएस बेस्ड सिनेमा खुलने वाला है। अभी ये जो यूएस बेस्ड सिनेमा है दोस्त वो क्या है दोस्तों, तो वो है एएमसी एंटरटेनमेंट्स द्वारा खुला जाएगा, एएमसी एंटरटेनमेंट्स द्वारा। और एएमसी एंटरटेनमेंट्स का ऐसा गोल है कि अगले 5 साल में 40 थिएटर खोल दें दोस्तों। ये एक पार्ट है 2030 का, दो विजन 2030 का, जिसको लागू किया था किंग सलमान ने दोस्तों। वो एक इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स के लिए का विजन है दोस्तों, और उन लोगों का गोल है कि 2030 तक 2500 स्क्रीन्स और 350 थिएटर को लाया जाए सऊदी अरेबिया में। दोस्तों सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद, उसका किंग है सलमान, और उसकी करेंसी है दोस्तों सऊदी रियाल। दोस्तों न्यूज़ फर्म्स जो होती है उसको रेगुलेट करने के लिए 10 की कमेटी बनाई गई है। अभी इस कमेटी को बनाने का कारण क्या दोस्तों, तो कभी आला की फेक न्यूज़ बहुत आ रही थी, और फेक न्यूज़ को लेकर भी फेक न्यूज़ आ रही थी कि फेक न्यूज़ जो भी करेगा उसको ये होगा उसको वो होगा। तो दोस्तों ये फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए एक 10 मेंबर की कमेटी जाएगी जो सारे न्यूज़ फर्म को रेगुलेट करेगी दोस्तों, और एक न्यूज़ चैनल्स के लिए, न्यूज़ मीडिया के लिए एक पॉलिसी डिजाइन करेगी ताकि उसमें FDI बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े। और दोस्तों इस जो न्यूज़ की मतलब हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है दोस्तों वो है स्मृति इनारी, और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात से, मतलब उन्होंने गुजरात से चुनाव लड़े थे दोस्तों। RBI ने सारे बैंक को बता दिया है कि भाई 6-3 महीने में आप अगर वर्चुअल करेंसी के साथ डील करते हैं तो वो बंद कर दीजिएगा, वरना आपको कड़ी से कड़ी सजा होगी। तो दोस्तों अगर आप वर्चुअल करेंसी रखते हैं और उनको आप किसी बैंक के साथ लिंक है तो 3 महीने उसको बंद कर दीजिएगा, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर ये है कि RBI जो है वो अभी वापस GDP स्केल्स में आ गया है, पहले वो GVA स्केल्स में था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। पहले RBI GVA स्केल में, मतलब 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब उन्होंने GDP हटा के GVA कर दी लागू कर दिया था, लेकिन अभी वापस इंटरनेशनल ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम होता था इसीलिए उन्होंने GDP स्केल को वापस लागू कर दिया गया है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। नासा ने एक प्लेन डिज़ाइन किया है जिसका नाम है एक्स प्लेन, और वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से फ्लाई करने के लिए बना है दोस्तों। इमेजिन कीजिए आप, नासा ने एक प्लेन डिज़ाइन किया है जिसका नाम है एक्स प्लेन, और वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से चलेगा, लेकिन उसमें दोस्तों कोई भी साउंड नहीं होगा दोस्तों। ICICI ने एक स्पेशल पे लॉन्च किया है दोस्तों, ये एक सर्विस है जो NRIs के लिए है, वो जो कि ऐसे NRIs है जो जो इंडिया में उनके कुछ रिश्तेदार या कोई भी कुछ रहता है तो उनको वो पैसे भेजना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए उनको पैसे भेज सकते हैं, और ये दोस्तों एक ऐप के ज़रिए होगा। वो ऐप का नाम होगा दोस्तों मनी टू इंडिया दोस्तों, M2I ऐप। तो ये लॉन्च किया दोस्तों ICICI बैंक ने, और इसका नाम है दोस्तों सोशल पे। दोस्तों बरमूडा की फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट है, बर्मुडा का अब तक का कॉमनवेल्थ का पहला मेडल वो भी गोल्ड वो लेके आई है दोस्तों फ्लोरा डफी, याद रखिएगा दोस्तों फ्लोरा डफी जो बर्मुडा से है, उन्होंने बर्मुडा का पहला गोल्ड जीता है और वो फीमेल है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर तहलिया रेबस्टोन जो कि ओलंपिक के फर्स्ट मेडलिस्ट है, मतलब 2018 में सबसे पहला मेडल उनको मिला था, उन्होंने
58 kg किलोग्राम की कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था दोस्तों, और उनको मिला है शायद सिल्वर मेडल। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर तेहलिया रॉबर्टसन, जिनको पहला कॉमनवेल्थ का मेडल दिया गया था। दोस्तों 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन मनाया गया था, जिसकी थीम थी एडवांसिंग प्रोटेक्शन पीस एंड डेवलपमेंट। दोस्तों सीरिया लियोन के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है जुलिस मेड। सियारा लियोन की कैपिटल है फ्री टाउन और उसकी करेंसी है लियोन। दोस्तों अजीत सिंह है जिनको अभी BCCI का हेड बना दिया गया है, और वो काम करेंगे एंटी करप्शन यूनिट के अंदर, और वो रिप्लेस करेंगे नीरज कुमार को। अजीत सिंह को BCCI के एंटी करप्शन यूनिट का हेड बना दिया गया है और वो रिप्लेस करेंगे नीरज कुमार को। दोस्तों संजीता चानू ने भी इंडिया का दूसरा गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत लिया है दोस्तों। उनका नाम वेट लिफ्टर कुमकुचन संजीता चानू याद रखिएगा। संजीता चानू ने पार्टिसिपेट किया था 53 kg में दोस्तों, और उन्होंने इंडिया का दूसरा गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में जीता है। पहला जीता था दोस्तों किसने, मीराबाई चानू ने, और इन्होंने जीता है दूसरा गोल्ड मेडल, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों दीपक लथार या लथर जो भी कह लीजिए, वो 18 साल के हैं, और उन्होंने वो एक ऐसे खिलाड़ी बने हैं दोस्तों इंडिया के सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीता हो कॉमनवेल्थ में। उन्होंने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों वेट लिफ्टिंग में, और उन्होंने टोटल लिफ्ट वेट किया था दोस्तों 255 kg, 295 kg का उन्होंने वेट लिफ्ट किया था, और उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों इंडिया ने बांग्लादेश को 27-10 से हरा दिया है 5th साउथ ईस्ट एशियन वुमेन हैंडबॉल चैम्पियनशिप में। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है किसमें, 5th साउथ ईस्ट एशियन वुमेन हैंडबॉल चैम्पियनशिप में। दोस्तों 6 अप्रैल जो है वो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड पीस के तरीके से मनाया गया था। याद रखिए दोस्तों 6 अप्रैल यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड पीस। अब ये 6 अप्रैल क्या है दोस्तों, तो 6 अप्रैल एक ऐसी डेट है जहाँ पर कॉमनवेल्थ का इनॉग्रेशन हुआ था आज से बहुत साल पहले, और वो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ करे गए दोस्तों, एथेंस जो कि ग्रीस में है, और वो खेले गए थे 1896 में 6 अप्रैल को। दोस्तों RBI डेटा साइंस लैब का एस्टेब्लिशमेंट करने वाला है, जिससे दोस्तों जो हमारा फोरकास्टिंग है, सर्वेलेंस है, और जो हमारा पैसा लोग लेके भाग जाते हैं उसमें रोकावट आएगी। ये लैब में कौन कौन काम करेगा, तो ये देश में बड़े एनालिस्ट होंगे, वो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस में ट्रेंड हो गए, डेटा एनालिसिस में ट्रेंड हो गए, स्टैटिस्टिक्स में ट्रेंड हो गए, इकोनॉमिक्स में ट्रेंड्स हो गए। तो ये लोग एक तरह का एक एल्गोरिदम बनाएंगे ताकि डेटा का अच्छा सा एनालिसिस हो सके, और ये शायद दिसंबर तक काम करना शुरू भी कर दे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया और कोरिया ने मिल के एक एंटी पायरेसी एक्सरसाइज की है दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज की है, जिसका नाम है सहयोग हाइबोल योग 2018 दोस्तों, वो हो रही है दोस्तों चेन्नई कोस्ट में, और इसमें पार्टिसिपेट किया दोस्तों कोरियन बेस्ड एक शिप है जिसका नाम है बदारो, वो शिप है दोस्तों, उसकी बहुत बड़ी शिप है कोरियन की, उसने उसमें पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। दोस्तों नेपाल के PM KP शर्मा ओइल है, वो इंडिया के त्रिदिवसीय विजिट पे है दोस्तों, 3-day विजिट पे है, और वो डिस्कस करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर, एनर्जी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में दोस्तों, और वो साथ में विजिट करेंगे JB प्लांट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन उत्तराखंड। और एक बात यहाँ पे दोस्तों मुझे चौंकाने वाली ये लगी कि उनको दोस्तों हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री दी जाएगी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की। याद रखिए दोस्तों, जो नेपाल के PM है उनको हमारी यूनिवर्सिटी JB प्लांट यूनिवर्सिटी है वो डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री देगी।
दोस्तों जो भी तंबाकू की प्रोडक्ट्स है, सिगरेट गुटखा चाहे जो भी हो, उन लोगों को अभी मतलब सितंबर 2018 से पीछे एक कोड लिखना होगा, एक नंबर लिखना होगा, टोल फ्री नंबर, ताकि जो लोग उसके एडिक्ट है उसको उससे छुटकारा में पाने के लिए वो उसको असिस्ट कर पाए। तो ये एक तरह का एक हेल्पलाइन नंबर होगा दोस्तों, और ये कंपलसरी है दोस्तों सभी प्रोडक्ट तंबाकू प्रोडक्ट्स पे ये 2018 से, सितंबर 2018 से छापना ही होगा। दोस्तों हमारे जो रेलवे एंड कोल मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक उत्तम ऐप का लॉन्च किया है दोस्तों। अभी उत्तम ऐप का फुल फॉर्म है अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माई माइंड एंड कोल। तो ये लॉ ऐप का लॉन्च किया है दोस्तों हमारे कोल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा दोस्तों, बाकी सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये सब पढ़ने की इच्छा हो तो मुझे अपना ईमेल आईडी कमेंट में दे दीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ मेल कर दूंगा। दोस्तों ग्लोबल लॉजिस्टिक्स समिट जो है वो हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली में। ये जो समिट है दोस्तों ग्लोबल लॉजिस्टिक्स समिट, वो ऑर्गेनाइज किसने किसने की थी, तो दोस्तों वो ऑर्गेनाइज की थी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, और उसके साथ दोस्तों उसमें पार्टिसिपेट किया था FICCI ने, और वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है उसने भी। दोस्तों इसके मुताबिक हमारे वहाँ 56 न्यू एयरपोर्ट्स खुलेंगे दोस्तों। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है तो वह है जिम योंग किम, और उसका वो हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। दोस्तों एंक्रोचमेंट इन 4 नेशनल पार्क इन आसाम। आसाम के कुछ 4 नेशनल पार्क्स है जिसमें एंक्रोचमेंट हुआ है। अगर आपको एंक्रोचमेंट क्या है वो पता नहीं तो आप गूगल कर लीजिए, लेकिन वैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो होगा कि इनमें से कौन सा पार्क आसाम में है। तो दोस्तों आसाम के जो मेन 4 पार्क है वो है काजीरंगा, मानस, डिब्रू शिकोवा एंड नामेरी। दोस्तों जम्मू ने अपना फर्स्ट टुलिप गार्डन खोला है, वो लोकेटेड है संसार विलेज में। याद रहेगा जिसको मिनी गुलमर्ग भी कहा जाता है, वह संसार विलेज, जिसमें जम्मू का, कश्मीर का नहीं दोस्तों, जम्मू का फर्स्ट टुलिप गार्डन खुला है। दोस्तों जो हॉर्मोन ऑक्सीटीन और हॉर्मोन होता है उसके इंपोर्ट पे गवारी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है दोस्तों। अभी ऑक्सीटीन हॉर्मोन होता क्या है दोस्तों, तो इसको लव हॉर्मोन की तरीके से जाना जाता है दोस्तों, और ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्लैंड से उत्पन्न किया जाता है। अगर आपको ऑक्सीटीन ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है पता नहीं तो आप गूगल कर लीजिए। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स है वो 2 वीक में एक 2 वीक की एक लंबी एक्सरसाइज करने वाली है जिसका नाम होगा गगन शक्ति, और वो एक्सरसाइज का मेन एम होगा कि चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसे कैसे हमारा स्टैंड होए वो अच्छे से बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स 2 वीक की एक्सरसाइज करेगा जिसका नाम होगा गगन शक्ति। उसका पहला फेज होगा दोस्तों नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, और दूसरा फेज होगा दोस्तों वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। दोस्तों साउथ कोरिया की जो एक्स प्रेसिडेंट थी पार्क जून है, उनको 23 साल की जेल हो गई है करप्शन के मामले में। बहुत ही अच्छा हुआ, साउथ कोरिया की एक्स प्रेसिडेंट ग्यून हाई कैट्स ग्यून हाई को 23 साल की जेल हो गई है करप्शन में। तो दोस्तों साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, उसके प्रेसिडेंट है मून जे इन, और उसकी करेंसी है वॉन। ये यहाँ पे टर्म है दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे भी आपको फुल फॉर्म में याद रखना है FPI हो क्या है दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो व्हेन फॉरेन बैंक फॉरेन इन्वेस्टमर वांट्स टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर एंड टोटल कलेक्शन इज दिस सेक्टर इज कॉल्ड FPI। तो दोस्तों मान लीजिए आपके एक फॉरेन इन्वेस्टर है और आपने अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, जो और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा सारे सेक्टर को मिला के उसको कहा जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक और टर्म है दोस्तों ये वो है STL यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, यानी कि एक ये एक ऐसा बॉन्ड है दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती है कैपिटल जनरेट करने के लिए, और इस बॉन्ड को दोस्तों कहा जाता है STL स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। एक और टर्म है दोस्तों ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तो कोई फॉरेन कंपनी दोस्तों हमारे लोगों को कमर्शियल लोन्स देती है उसको ECB कहा जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी कि एक्सटर्नल बोरोइंग्स। आपको पता चल गया होगा कि जो बाहर की कंट्री से अगर कोई भी बैंक है या कोई भी कंपनी है
वो हमारे किसी लोग को, किसी कंपनी को या किसी बिजनेस फॉर्म को लोन देती है तो उसको ईसीबी कहा जाता है। दोस्तों अभी अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने बताया है कि अभी भाई रेलवे केटरिंग पे भी 5% जीएसटी लगेगा। याद रखिएगा दोस्तों, रेलवे केटरिंग पे अभी से 5% जीएसटी लगेगा। दोस्तों अभी अभी विंटर ओलंपिक्स हुए, उसकी जो उनमें जो उनमें जिन्होंने 8 मेडल जीते दोस्तों, मेरिट बेजरोजेन वो उन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने विंटर ओलंपिक्स 2018 में 8 मेडल जीते थे। दोस्तों जापान के बहुत बड़े एक एनिमे क्रिएटर इसियो ताकाहाता का डेथ हो चुकी है दोस्तों। उनकी एक बहुत ही मशहूर ही एनिमेटेड फिल्म थी, वो थी द ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, बहुत अच्छी है। एक यहाँ पे आपको फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों, INDAS, वो क्या है दोस्तों, तो वह इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो जारी करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट। दोस्तों अभी अभी हमारी कंट्री का हॉस्पिटैलिटी इंडेक्स आया, जिसमें दिल्ली को सबसे अच्छा हॉस्पिटैलिटी सिटी के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटैलिटी में अच्छा सिटी है वो है दिल्ली। और स्टेट में दोस्तों पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे गोवा, तीसरे पे दिल्ली, और चौथे में कर्नाटका, और पाँचवें नंबर पे है दोस्तों केरला। दोस्तों अभी अभी हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, उसने एक सहज करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म जारी किया है दोस्तों। सहज एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, एक वो सिर्फ एक ही पेज का है जिसको एक ही पेज का जिसको जारी किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने। ये एक ऐसा फॉर्म है जो दोस्तों जिसको आप फिल कर सकते हैं कि अगर आपकी इनकम सैलरी के थ्रू आती है और आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, ये टैक्स भरने में बहुत आसानी होगी दोस्तों, इसीलिए ये लाया गया है। दोस्तों मिथाली राज जो है उनको अभी अभी वो बन चुकी है मोस्ट कैप प्लेयर इन वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट, यानी कि एक वो एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने देश को सबसे ज़्यादा बार वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया हो। दोस्तों उन्होंने टोटल 192 मैच में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, और उनका जो आखिरी मैच यानी कि 192nd का जो मैच था दोस्तों वो था इंग्लैंड के अगेंस्ट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, तो 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया था दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था, जिसका स्लोगन था हेल्थ फॉर ऑल, और जिसकी टैगलाइन थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। याद रखिएगा दोस्तों, उसका स्लोगन था हेल्थ फॉर ऑल और उसकी टैगलाइन थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। दोस्तों ओलंपिक की एक और खबर आई है, 7 अप्रैल को सतीश कुमार शिवलिंगम ने भी वेट लिफ्टिंग में एक गोल्ड जीता है, मतलब ये हमारा इंडिया का तीसरा गोल्ड हुआ, और तीनों के तीनों अभी तक वेट लिफ्टिंग के ही है। सतीश कुमार ने जीता है 77 kg कैटेगरी में। दोस्तों 7 अप्रैल से IPL की शुरुआत हो चुकी है, वो अभी तक का 11वां IPL है, वो उसके स्टार्ट मुंबई में हुई है, और उसका पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि पिछले साल जो चैंपियन था मुंबई इंडियंस, और इस साल और उसके अगेंस्ट महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था। दोस्तों इस साल चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स की एंट्री 2 साल के बाद हुई है, क्योंकि ये दोनों टीमों को 2013 में कुछ बैटिंग के केस से सस्पेंड कर दिया था, तो अभी उनकी वो लोग अभी वो टीम वापस आ गई है, राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों लिएंडर पेस अभी तक का सबसे बड़ा सक्सेसफुल प्लेयर बन चुका है डेविस कप में। डेविस कप एक टेनिस का कप होता है, वो लग 23 लिएंडर पेस ने आज मतलब कल 7 अप्रैल को 43 मैच जीते हैं। लिएंडर पेस ने डेविस कप में अभी तक 43 मैच जीते हैं, इतने में जब तक किसी ने नहीं जीते, तो दोस्तों वो डेविस कप का सबसे सक्सेसफुल प्लेयर बन चुका है। डेविस कप एक टेनिस का क्लब है। ये देखिए दोस्तों, इंडियन पेयर लिएंडर पेस एंड रोहन बोपनारा, उन लोग ये दोनों ने जिनको डिफीट किया है वो दोनों चाइनीज लोग थे, और उस पेयर का नाम था मो जिनगोंग एंड जे जांग। दोस्तों मणिपुर गवर्नमेंट ने मीराबाई छानू और संजीता छानू जिन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं,
इसलिए मणिपुर गवर्नमेंट ने इन दोनों को 15-15 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एक MOU साइन किया है जो कि 420 मिलियन US डॉलर का है। और इस प्रोजेक्ट में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है मथुरावाड़ा, मराठावाड़ और विदर्भा रीजन के, उन लोगों को मदद की जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा हरितिमा योजना का 7 अप्रैल को लॉन्च हुई है और वो टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करेगी। यह योजना काम करना शुरू करेगी दोस्तों 16 सितंबर से, अभी से नहीं, क्योंकि 16 सितंबर को ओजोन डे होता है। गंगा हरितिमा योजना यूपी के 27 डिस्ट्रिक्ट में हुई है और वो स्टार्ट करना शुरू करेगी 16 सितंबर से। तो इस योजना का ऑब्जेक्टिव है वो है कि भाई जो भी गंगा के बैंक्स के आसपास जो भी इरोजन हो रहा है, लैंड इरोजन हो रहा है, उसको कम करना और जितना हो सके उतने आसपास के किलोमीटर को ग्रीन बनाना। दोस्तों, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, उन्होंने एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसमें खादी की जो भी आपके आसपास दुकानें होंगी उसको दिखाया जाएगा। अभी जब लॉन्च हुए तब 4000 दुकानें खादी के स्टोर दिखाए जाएंगे, लेकिन अभी इस महीने के एंड तक पूरे 8000 तक के स्टोर सारे के सारे आ जाएंगे। जो स्टोर अभी 9th नेशनल बोर्ड ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में रजिस्टर्ड है। दोस्तों, कतार में एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। कतार में वुमेंस के लिए मिलिट्री सर्विस यानी कि नेशनल सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप वहाँ पे कोई भी लेडी है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो वो नेशनल सर्विस ज्वाइन कर सकती है। लेकिन जैसे कि कतार में मैन के लिए नेशनल सर्विस कंपलसरी है, इस तरह से वुमेन के लिए कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। और जो मैन के लिए सर्विस कंपलसरी 3 महीने की थी, उसका पीरियड अभी बढ़ के 1 साल हो गया है दोस्तों। तो कतार में मेल अगर 18 से 35 साल का कोई भी में है तो मेल है तो उसको 1 साल तक के लिए तो सेवा देनी ही होगी नेशनल सर्विस में, लेकिन फीमेल के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। दोस्तों, जो ये कतार में जो नया लॉ आया है उसके अंतर्गत जैसे ही मेल मैन जैसे ही 18 साल का हो जाता है उसके 60 डेज के अंदर ही उसको नेशनल सर्विस एकेडमी में अप्लाई कर देना होगा, नहीं तो उसको पनिशमेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं आज की आखिरी खबर वो क्या है कि भाई कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अभी तक की सबसे ऊंची सपाटी पर है, यानी कि इतना रिजर्व कंट्री के पास कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, अभी कंट्री के पास 4 to 4.361 बिलियन US डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जितना अभी तक कभी नहीं हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, दोस्तों कंट्री का अभी का फॉरेन मतलब 30 मार्च तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 4 to 4.361 बिलियन US डॉलर। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है दोस्तों? तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐसे एसेट्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक्स के पास होते हैं और वो फॉरेन करेंसीज में होते हैं, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई या लायबिलिटीज़ में कुछ गड़बड़ हो गई तो ये RBI जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये इस रिज़र्व का यूज़ करके मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने सारी खबर लगभग कवर कर ली है। तो अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो अपना ईमेल ID मुझे कमेंट में दे दीजिए, मैं आपको ये PDF जो है, ये देखिए ये PDF जो है मैं आपको मेल कर दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको PDF चाहिए तो अपना ईमेल ID मुझे कमेंट में दे दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसमें कमेंट करिएगा, और मैंने जो जो भी बीच बीच में सवाल पूछे हैं जैसे कि डेविस कब क्या है वगैरह, तो उसके आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ इसको मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँच पाऊँ, और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा दोस्तों ताकि दूसरे लोग भी इससे मदद ले सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।